नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। कल ये तय हो जाएगा कि किस राज्य में किसने जीत का परचम लहराया है, लेकिन आज की रात सियासी दलों के लिए भारी है। कईयों की नींद उड़ी है तो कई करवटें बदल रहे हैं, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। हालांकि इससे पहले सियासी दल जीत के लिए भगवान के दर से लेकर हवन पूजन तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने जीत की कामना के साथ 11 पंडितों को लेकर हवन किया, तो वहीं जीत से पहले ही उत्साहित कांग्रेस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न भी मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों पर कांग्रेस कार्यकर्ता थिरक रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि कांग्रेस को विश्वास है कि राज्य में उसकी ही सरकार बन रही है। कमलनाथ भी इस बात का दावा करते हुए दिख रहे हैं। मैंने तो 3 महीने से मैं कह रहा हूं कि हमारी 140 सीटों से ज्यादा आएगी। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो 3 महीने पहले कहा था, मैं अब 24 घंटे पहले कह रहा हूँ। वैसे राज्य के सीएम शिवराज सिंह भी जीत का दावा कर रहे हैं और उनकी पार्टी की ओर से उन्हें 4थी बार सीएम बनने के लिए बधाई भी दी जा चुकी है। लेकिन जनता ने अपना नेता किसे चुना है, इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे कल आपको वीके न्यूज बता देगा कि कौन जीता और कौन हारा। अगर आप सबसे तेज नतीजे देखना चाहते हैं तो कल वीके न्यूज जरूर देखिए। दिन भर लाइव यहां मिलेंगे आपको चुनाव के सबसे तेज नतीजे और पॉलिटिकल खबरों के लिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।